नमस्कार। आज एक हम ऐसे पौधे के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं जो पौधा हमारे भारतवर्ष में मिलता है, और हम देख रहे हैं कि ये जो पौधा है इसकी जो मांग है, आज चिंता रोग बहुत बढ़ रहा है, अल्जाइमर बढ़ रहा है, और ऐसे रोगों में गुणकारी जो पौधा है वो है अश्वगंधा, जिसको अश्वगंध भी बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, जिसका साइंटिफिक नेम बॉटनिकल नेम विदानिया सोमेनिफेरा है। ये सोलानेसी कुल का पौधा है और आयुर्वेद में इसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। इसको वराह करनी भी बोला गया है, वरदा बोला गया है, बलदा कुष्ठ गंधिनी ऐसा भी बोला गया है। ये जो पौधा है लगभग अगर हम देखें तो 30 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, और ये जो पौधा है इसका औषधि महत्व हमारे आयुर्वेद जैसे शास्त्र में, हमारे भारतवर्ष की जो अलग अलग चिकित्सा पद्धति है जिसमें यूनानी पद्धति हो, सिद्ध औषधि पद्धति हो, और हमारे बहुत ही गुणकारी जो हमारी आयुर्वेद औषधि पद्धति है इसमें अश्वगंधा के बारे में जानकारी दी गई है। और इसका बाकी जानकारी लेने के पहले हम इसके औषधि गुणों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ इसका जानकारी देने के लिए वैद्य मंदार जी अकोलकर आए हुए हैं। ये पुणे स्थित है, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में ये सहयोगी प्राध्यापक है। सर नमस्कार। नमस्ते। आप ये हमारा जो अश्वगंधा है, अश्वगंध है, इसके बारे में थोड़ा इसके औषधि गुणों के बारे में जरा जानकारी दीजिए। अश्वगंधा की जड़ जो मरुभूमि से राजस्थान से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, ये आयुर्वेद में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही अच्छा पौधा है, बहुत ही अच्छी औषधि है। कुछ दिनों पहले जो कोविड जैसे वायरल फीवर आए थे, इनमें ध्यान में आया कि लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम पौधा है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा का बाजार में आपको मिलेगा अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा अवलेह, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा घन, अश्वगंधा की टिकड़ी, इसमें से आप चाहे जो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नैसर्गिक अवस्था में उसका जो चूर्ण है वैद्य लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। अश्वगंधा के साथ अन्य वनस्पतियां इस्तेमाल करके इसका बन जाता है अश्वगंधा दी चूर्ण। जैसे अश्वगंधा के साथ आंवला है, मुछली है, कोक्षुर है, वर्धारा है, अलग अलग चीजें इस्तेमाल की जाती है। अश्वगंधा सप्त धातुओं में काम करता है, केवल प्रजनन संस्था पे काम करेगा ऐसी बात नहीं है। अश्वगंधा अति शुक्रला कहा है, लेकिन जब रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु ये अच्छे बनते हैं तभी अंतिम शुक्र धातु अच्छा बनता है जो प्रजनन संस्था पे काम करता है। आजकल ये तनाव, बहुत से कष्ट, इसकी वजह से प्रजनन संस्था को भी तकलीफ हो रही है। सुना होगा कि बहुत सारे नवविवाहित लोगों में भी बच्चा पैदा होना मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोगों में बहुत अच्छा टॉनिक बनता है अश्वगंधा। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करें। मैं खुद भी हर दिन सुबह अश्वगंधा का क्वाथ पीता हूँ, चाय या कॉफी नहीं पीता हूँ। मुझे मालूम पड़ता है दिन भर हम लोग काम कर सकते हैं, तंदुरुस्ती बनी रहती है। उत्साहवर्धक पौधा, और जो समस्या ही बनी है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हम बोलते हैं उसमें है एनेक्सिटी, जिसमें हम चिंता बोलते हैं, ये जो रोग है अल्जाइमर में बहुत ही गुणकारी है, और इसके लिए इसका महत्व इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी बड़ा है। इसलिए हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा जो राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड है, इन्होंने अश्वगंधा कैंपेन शुरू किया है। इट इज आवर इमेंस प्लेजर टू अनाउंस दैट विद द कंसर्न एफर्ट्स ऑफ नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वी आर रेडी टू लॉन्च स्पीसीज स्पेसिफिक नेशनल कैंपेन ऑन अश्वगंधा अ हेल्थ प्रमोटर with the objectives to create awareness about health benefits of ashwagandha, that's Withania somnifera, among the public and promote usage of potential medicinal plants throughout the country. देश भर में अश्वगंधा के बारे में जन जागृति किया जा रहा है, और अश्वगंधा ए हेल्थ प्रमोटर ये स्लोगन से अश्वगंधा की जानकारी लोगों में दी जा रही है। सभी ग्रास रूट लेवल तक इसका जानकारी, इसका पौधा बांटना, इसका बीज बांटना एक काम शुरू भी हो गया है। अश्वगंधा इसका नाम ही बहुत ही अच्छा है, अश्व यानी कि घोड़ा, और इसके जो जड़ होते हैं, जड़ को एक जो गंध होता है
वो गंध जो अश्व होता है, घोड़े का पेशाब होता है, उसके जैसे होता है। और ये जो जो गंध होता है, क्योंकि इसमें काफी सारे रसायन पाए जाते हैं, ये रसायन क्या है इसकी जानकारी लेने के पहले सर आपने बोला कि आयुर्वेद में इसका अलग अलग जो इसका पाउडर उपयोग में लाया जाता है, अश्वगंधा रिष्ट बनाया जाता है, अलग अलग औषधि बनाई जाती है, इसका इस्तेमाल लोग कैसे करें? आदमी को काम तो करना ही पड़ता है। जब पौ फटती है दिन शुरू हो जाता है, जब तक अंधेरा नहीं होता आदमी काम करता है, प्रवास करता है। थकान जो आती है वो दो चीज़ों पे, एक तो मसल्स हमारे स्नायु जो है वो दुर्बल बन जाते हैं, आदमी थकता है। दूसरा मन, हमारे मन में क्षोभ होता है, थकान आती है। अश्वगंधा दोनों में भी काम करता है, मतलब स्नायु का बल बढ़ाना भी है और मन को भी जो तनाव आता है इसे भी कम करता है। दूसरी बात, जैसे प्रजनन संस्था के बारे में कहा, हमारे महिलाओं में श्वेत प्रदर नाम की बीमारी है जिसमें थकान बहुत आती है, ये श्वेत प्रदर कम करने के लिए अश्वगंधा इस्तेमाल होता है। दो तरीके के लोग होते हैं, जो एकदम दुबले पतले हैं, जिनमें मांसपेशी अच्छी नहीं है, इन लोगों को मोटा बनाने के लिए, उनका वजन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा दूध के साथ, घी के साथ, तेल के साथ, पानी के साथ लिया जा सकता है। आप पाउडर की मात्रा में ले तो लेने के लिए आसान है। तो अश्वगंधा कृष आदमी को बलवान करेगा, पुष्ट करेगा, स्थूल करने की बात नहीं है। ऐसे ही स्थूल आदमी जो है, फैटी है, इन लोगों को भी ऐसे प्रमाणित कर देगा कि जिनकी फैट कम हो जाएगी बलवान बन जाएंगे। अश्वगंधा जो है हमारे देश में अलग अलग राज्यों में पाया जाता है, मुख्य तौर पे ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अगर हिमालय छोड़े तो ये जो पौधा है ये हमें मिलता है। हमारे देश में जो दुनिया में 25 प्रजाति इसकी है, स्पेसीज है, इसमें से दो प्रजाति हमारे यहाँ इसका खेती किया जाता है, विदानिया सोमिनिफेरा और विदानिया कोयाग्लंस। इसमें से इसका ज्यादा पैमाने पे खेती किया जाता है वो है विदानिया सोमिनिफेरा। तो ये जो विदानिया सोमिनिफेरा है, अश्वगंधा है, अगर आपको पहचानना है इसका वनस्पति विज्ञान आपको पता होना जरूरी है। तो ये जो पौधा है इसके जो अलग अलग भाग है, जैसे कि तने हैं, पत्ते हैं, तो ये रोम युक्त होते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, और तने जो होते हैं, तने जो है शाखायुक्त होते हैं, ब्रांचड होते हैं, और इसका जो लंबाई है, मैंने जैसे बोला कि 30 सेंटीमीटर से कुछ इसका किस्म निकाला गया है वो 30 सेंटीमीटर बढ़ते हैं, लेकिन जो जंगल में पाए जाते हैं, रास्ते के किनारे पे पाए जाते हैं, गांव में पाए जाते हैं, वो 120 सेंटीमीटर तक भी बढ़ते हैं। इसकी जड़ें जो है वो मांसल होती है, और ये जड़ें बहुत ही गुणकारी, यही औषधि है, ज्यादा पैमाने पे अश्वगंधा की जड़ें ही उपयोग में लाए जाते हैं। ये जड़ जो है सूखने के बाद सफेद भूरे हो जाते हैं, और इसके जो पत्तियां हैं उसका अगर आइडेंटिफाई करना है आपको, ये सरल होते हैं, अंडाकार आकार के होते हैं, और 10 सेंटीमीटर लंबाई तक होते हैं, चमकदार होते हैं, और जहां पे पुष्प क्षेत्र है, जहां पे फल फूल आ रहे हैं, वहां पे उसके पत्ते जो है छोटे आकार के हो जाते हैं। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फल छोटे आकार के गोलाकार होते हैं, पकने के बाद वो हरे पीले, जो हरे होते हैं फल, वो पकने के बाद पीले हो जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं, नारंगी लाल रंग के जो किस्म निकाले गए उसमें नारंगी लाल रंग के फल पाए जाते हैं। बीज छोटे आकार के होते हैं, यहाँ पे आप बीज देख सकते हैं, बीज छोटे आकार के होते हैं और वो चिकने होते हैं, हम जैसे कि हमें मिर्च या बैंगन पता है ऐसे इसके बीज होते हैं, वो 2 मिलीमीटर चौड़े होते हैं और आधा मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर वो मोटे होते हैं, और ये बीजों द्वारा ये इसका पौध बनाया जाता है, पौधशाला में पौध बनाया जाता है, और इसका खेती जो है ये बीजों से किया जाता है। तो सर ये जो अश्वगंधा है, मैंने जैसे बोला कि इसके जो जड़ है ये बहुत ही गुणकारी है, और ये जड़ों का श्रेणीकरण किया जाता है, यहाँ पे 4 प्रकार में इसका श्रेणीकरण किया जाता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। जो ग्रेड 1 होते हैं, ये इसका अगर लंबाई देखें तो 7 सेंटीमीटर तक होते हैं, अगर दूसरे ग्रेड में आप देखें तो ये 5 सेंटीमीटर तक होते हैं, तीसरे ग्रेड में आप देखें तो 3-4 सेंटीमीटर तक होते हैं, और जो भी छोटे मोटे जड़ होते हैं वो ग्रेड डी में चले जाते हैं, ग्रेड 4 में चले जाते हैं। तो इसका श्रेणीकरण करना बहुत ही जरूरी है।
अगर ये जड़ हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमें जो दूध का रंग होता है वो दूध जैसे दिखाई देते हैं, तो ये जो जड़ है इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। नैसर्गिक निद्रा ये आदमी का कष्ट कम करने वाली दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, और आजकल लोगों को निद्रा ठीक से नहीं आती। ये जो सोमिनी फेरा इन्होंने कहा अश्वगंधा निद्रा जनन है, निद्रा जनन ये बात नहीं कि किसी ने ले लिया तो दिन भर सो जाएगा। नैसर्गिक प्राकृत निद्रा लाने के लिए अश्वगंधा मन को बलवान करके अच्छी निद्रा लाएगा। दूसरी बात है अश्वगंधा अनिल श्लेष्म श्वित्र शोथ क्षयापहा, जहां जहां सूजन आती है वहां वहां इम्यूनिटी कम हुई है। आप स्किन डिजीज में भी ये अश्वगंधा इस्तेमाल करते हैं, श्वास में इस्तेमाल करते हैं। बल्या रसायनी तिक्तता, ये कड़ू रस की है, तिक्त रस की है, तो इसे लेते समय इसमें शक्कर डाल के, शहद डाल के, घी डाल के, दूध डाल के कुछ तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये कड़वी है। खाते समय अल्प मात्रा में ली जाती है, वारंवार ली जाती है, अर्धमास पैसा आधा महीना हर दिन दूध या घी के साथ इसे लिया जाता है, और कृषि आदमी को बलवान करने के लिए इसका काम किया जाएगा। छोटे बच्चे रहते हैं कि जो वजन नहीं पकड़ते हैं, इन लोगों के लिए भी काम किया जाता है। कहीं कहीं बदन में गांठें निकलती है, शोथ आता है, इसके ऊपर अश्वगंधा बाहर से भी उसका पीस कर लेप किया जाता है। अश्वगंधा बहुगुणी है, पेट में भी ली जाती है, इसका क्षार करते हैं, इसका भस्म करते हैं, और श्वास में भस्म भी इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा जो है इसका डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। जो हमें अभी कोविड सिचुएशन था, हमें हमने देखा है सर ने जैसे बोला कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और जिसको इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उसको हमें अश्वगंधा की जड़ जो सूखे जड़ है उसका पाउडर का इस्तेमाल करना जरूरी है। अश्वगंधा जो है इसमें अलग अलग प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, उसमें अल्कोलाइड्स है, अश्वगंधिन, एनाहीग्रीन, एनाफेरिन, डाइसोपेलेटेरिन, हाइग्रीन, सोमिनीफेरिन, विदानिन, विदा सोमिनिन आदि पाए जाते हैं। स्टेराइड, नेचुरल स्टेराइड में भी ये पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, जैसे कि एग्रोस्टिन स्टेराइड, लैक्टोन ये भी पाया जाता है, विदाफेरिन ए ये भी स्टेरॉइड इसमें पाया जाता है, विदानोलाइड ए और विदानोलाइड ए सी विदानोन ये भी इसके जड़ों में पाए जाते हैं। ये जड़ जो है वो रसायन से भरे हुए है, इसके लिए जड़ों का उपयोग औषधियों में किया जाता है। सोरायसिस, रिंग, कृमि में भी इसका उपयोग किया जाता है, खुजली, क्षय रोग में भी उसका उपयोग किया जाता है। दुर्बलता में बहुत ही गुणकारी ये पौधा है। अभी वीर्य का वर्धन करना है तो इसका आयुर्वेद में बहुत सारे उपयोग बताया गया है। अभी अभी अनुसंधान हो चुका है, एनेक्सिटी और एचआईवी में भी ये पौधा काम करता है, और इसके जो जड़ है वो उसकी डिमांड, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है इसमें ज्यादा होने के कारण इसकी मांग में बढ़ोतरी हो चुकी है। हमारा एक्सपोर्ट होने वाली जो चीजें भारत वर्ष से जो डेवलप कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारे हर्बल जो प्रोडक्ट है उसमें से अश्वगंधा भी एक है, और अश्वगंधा की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। अश्वगंधा जो है अभी मंदसौर मध्य प्रदेश में ज्यादा मात्रा में उसका पैदावार होता है, खेती होता है। उसके बाद हमारे राजस्थान में झालावाड़, झालरापाटन ये जो प्लेस है, झालावाड़ जिला है, उसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, गुजरात के कुछ जिलों में, राजस्थान के नागौर जिलों में जो नागौरी अश्वगंधा है वो बहुत ही दुनिया में फेमस है। लेकिन मंदसौर, नागौर और झालावाड़ ये जगह की अश्वगंधा जो है उसमें रसायन ज्यादा मात्रा पाए जाने के कारण और उसका क्वालिटी एफिकेसी अच्छी होने के कारण उसकी डिमांड जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी बढ़ चुकी है। सर अभी जो है अनुसंधान हो रहा है, और आयुर्वेद में भी अनुसंधान हो रहा है, और हमारे जो मॉडर्न औषधि चिकित्सा पद्धति है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर्स, वैद्य जो है इसका रिकमेंड कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? कुछ बीमारियां ऐसी है जिसे लोग डरते भी है, जो हृदय रोग या कहा जाता है। हृदय शरीर के रुधिर को, रक्त को, सब शरीर में चलने के लिए पंप जैसा काम करता है। इसके कार्य में जब बाधा आती है, उसकी ताकत कम पड़ती है, तो हृदय के रोग में भी अश्वगंधा इस्तेमाल की जाती है। और हृदय में जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज है इसमें कभी कभी गांठें आ जाती है, जैसे हार्ट अटैक कहा जाता है। ये न आने के लिए
हृदय का शूल मतलब हृदय में जो दुख होता है ये कम करने के लिए नियमित रूप से अश्वगंधा बेहड़े के साथ विभितक के साथ लिया जाता है। और एक बीमारी है आमोवात। आमोवात ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। छोटे छोटे संधि जो है इसमें सूजन आती है, दर्द होता है, बहुत ही चलाना मुश्किल हो जाता है उसे। इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा काम करता है। तो हृदय रोग में, आमोवात में, और तीसरी बात है गर्भाशय में जो सूजन आती है महिलाओं के, तो फिर उनको मासिक रजस्राव में तकलीफें बनती है, ये कम करने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल होता है। श्वास रोग में होता है। शादी के बाद दंपति सुख में अश्वगंधा दोनों को भी बराबर मदद करता है, क्योंकि प्रजनन संस्था के ऊपर ये काम करता है। तो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा कर दिया माने, तो उसको भी जो दुर्बलता आती है वो कम करने के लिए अश्वगंधा काम करेगा। अश्वगंधा हर एक चीज में लेना काम की बात है, दीर्घकाल के लिए उपयोग होता है। उत्साह वर्धन करने वाली अश्वगंधा जो है, मांग तो काफी बढ़ रही है, जड़ों की मांग बढ़ रही है, औषधियों की भी मांग बढ़ रही है, लेकिन अगर इसके जड़ पैदा करने हैं तो इसकी खेती करनी पड़ेगी। इसका खेती करना पड़ेगा तो इसकी मिट्टी और जलवायु की जानकारी भी हमें जरूरी है। जो मिट्टी है वो रेतीली, जहाँ पे रेतीली मिट्टी है, जहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी है, और जो मिट्टी जो है पानी पकड़ने वाली नहीं है, पानी छोड़ने वाली मिट्टी है, जिसमें बालू होती है, बालुकामय है, और ऐसे मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में इसका बहुत ही अच्छा खेती होता है। जो मिट्टी का पीएच लगभग 6 से 8 तक होता है, और जहाँ पे जलवायु जो है वो 500 मिलीमीटर से 700 मिलीमीटर तक होता है, वर्षा जो है कम वर्षा में होने वाला ये पौधा है, ये पौधों की खेती की जाती है, कम वर्षा क्षेत्र में इसका लागत किया जाता है, खेती किया जाता है, और जहाँ पे 1-2 बुआई होने के बाद 1-2 या 3 वर्षा अगर हो जाती है तो ये पौधा बढ़ जाता है, और ऐसे ही जगह में इसका खेती करना जरूरी है। जहाँ ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है ऐसे क्षेत्र में इसका खेती नहीं करना है। और इसका जब खेती करना है तो जुलाई अगस्त में जब बारिश हो जाता है तो इसका जुलाई अगस्त में इसका बुआई करना जरूरी होता है। बीज से इसका बुआई किया, इसका खेती किया जाता है, इसका रोपण किया जाता है, बीज से ही करना जरूरी है, और हम ड्रिलिंग मेथड या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से इसका हम बुआई कर सकते हैं। और बुआई के लिए जब हमें खेत में ये लगाना है तो लगभग 10 किलो बीज जो है वो 1 एकड़ के लिए लगता है, और इतना ही क्वांटिटी अगर हम कम बीज डालते हैं तो भी हमें जो उत्पाद मिलने वाला है कम मिलेगा, ज्यादा बीज डालते हैं तो भी हमें उत्पाद में फर्क मिलेगा। इसलिए 10 किलो कम ज्यादा, 10 किलो अगर हम करते हैं, 10 किलो ही एकड़ में डालते हैं तो हमें अच्छा उत्पाद मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स एक एकड़ में अगर उतने आ जाते हैं, उसका जर्मिनेशन 80-90% है बीज का, तो हमें उत्पाद अच्छा आता है। लेकिन अगर इसका सर हमें खेती करना है, इसको इसके कुछ किस्म भी निकाले गए हैं ज्यादा उत्पाद देने वाले, जो हमें उत्पाद मिलने वाला है, जड़ मिलने वाले, जड़ में ज्यादा जो रसायन मिलते हैं उसमें कुछ किस्म जो निर्माण किए गए अलग अलग संस्था द्वारा, उसमें से पोषिता जो जाति है, किस्म है, उसको रक्षिता भी बोला जाता है, पोषिता, रक्षिता, जवाहर अश्वगंधा 20, JA20 नाम से भी ये जाना जाता है, JA134 यानी कि जवाहर अश्वगंधा 134 ये किस्म निकाला गया है जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा। उसके अलावा नागौरी गुजरात विश्वविद्यालय, जो कृषि विश्वविद्यालय, उसके द्वारा गुजरात आनंद अश्वगंधा ये निकाला गया है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो है मंदसौर मध्य प्रदेश, उसके द्वारा राज विजय अश्वगंधा 100 ये किस्म निकाला गया है। ये जो मैंने किस्म बोले इससे हमें ज्यादा उत्पाद मिलेगा, जो हमें क्वालिटी चाहिए, जो एफिकेसी चाहिए, अगर हमें उत्पाद लेना है उसके साथ साथ में अगर हम ये क्वालिटी देखना चाहते हैं तो यही अगर किस्म ले लेते, और ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, उससे बीज ले लेते और खेती करते तो हमें मुनाफा इससे अच्छा होता है। तो अगर हमें इसका खेती करना है, लेकिन खेती करने के बाद आपके मन में होगा इसको बेचे कहाँ या इसका मार्केट का है, तो सर मार्केट तो काफी बढ़ रहा है, तो मार्केट के बारे में आप थोड़ा बताइए। ज्यादा मार्केट तो देश में ही है, हर एक गांव में जो वाणी बंसारी कहते हैं छोटी छोटी दवाइयाँ बेचते हैं, इसके पास आप जाके मांगेंगे 50 ग्राम 100 ग्राम तो भी अश्वगंधा चूर्ण मिलेगा, अश्वगंधा की जड़ें मिलेगी आपको। आप कोई भी दवाइयों की शॉप में जाओगे तो अश्वगंधा रिष्ट की बोतल मिलेगी, अश्वगंधा अवलेह मिलेगा। केरल और उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद के कारखाने ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पंजाब है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इनमें भी कारखाने हैं। तो ये जो कारखाने
अश्वगंधा के कल्प बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनके पास तो बड़ी मांग है। एक्सपोर्ट के लिए भी अश्वगंधा जाती है, जो बहुत ही कम चीज़ें इंडिया से बाहर बेची जाती है। इनमें से जो अश्वगंधा है तो ये बड़ी पैमाने पे बेची जाने वाली वनस्पति है, कि जो विदेश के लोगों को भी मालूम है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आने वाली वस्तु है। सो देशी बाजार भी है, विदेशी बाजार भी है। इसका लोकल मंडी जो है मंडसौर में, इसका लोकल मंडी है, लेकिन हम नीमच मंडी जाते हैं, मध्य प्रदेश स्थित है नीमच मंडी, ये हमारा नेशनल मंडी जैसा है। इसके अलावा खारी बावली, ये जो दिल्ली स्थित मंडी है, यहाँ पे भी इसको बेचा जा सकता है। लोकल मंडी भी डेवलप होने लगी है। क्लस्टर बेसिस पे अगर इसका खेती करते, समूह करके किसान अगर खेती करते तो ये लोकल बेसिस पे भी बेचा जा सकता है। लेकिन मैंने जैसे बोला, खेती करना है तो बीज हमें अच्छा क्वालिटी का लेना है। 1 किलो में लगभग 5 लाख बीज होते हैं, और बीज हम बुआई करते तो 6 या 8 दिन में उसका अंकुरण हो जाता है। और पहले अंकुरण के टाइम में अगर उसको पानी दे देते हैं, उसके बाद हमें अगर हम 2 या 3 अगर वर्षा हो जाती है नेचुरल तो ठीक है, नहीं तो 2 या 3 बार पानी देना पड़ेगा। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है 120 दिन के पहले इसको नहीं निकालना है जमीन से, और 150 दिन के भी बाद नहीं निकालना है। तो अगर हम इसका हार्वेस्टिंग करना है, उसमें अगर हमें कंपाउंड जो चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जो मैंने रसायन बताए वो रसायन विदाबेरिन हो, विदानिन हो, ये जो कंपाउंड्स अगर हमें चाहिए ज्यादा मात्रा में, तो हमें 120 के बाद दिन के बाद इसको जमीन से निकालना है, खेत से निकालना है, और 150 दिन के बाद निकालने के बाद इसको जड़ आपको अलग करने है, जड़ का श्रेणीकरण करना है। जड़ जो है छाया में सुखाना है, और श्रेणीकरण करके अगर बेचते हैं तो उसको हमें भाव भी अच्छा मिलता है। और आपको लगता होगा कि इसका पंचांग का क्या करता है, इसका बीज में हमें 1 एकड़ में लगभग 50 से 60 किलो बीज भी मिलता है, तो बीज भी इसका बाजार में बेचा जाता है, इसके जड़ भी बेचे जाते हैं, इसके पत्ते जो है या उसके तने हैं जो शाखा युक्त तने होते हैं, इसका हम जानवरों का खाद्य बना सकते हैं। तो इसके जो सभी भाग जो है, जैसे बीज हमें बुआई करने में काम में आएगा, हम उसका और पौधा बना सकते हैं, और इसका जो बाकी भाग बचे है उसका भी हम खाद्यान्न, जो जानवरों को खाद्यान्न, गाय भैंस को लिए खाद्यान्न बना सकते हैं। जड़ जो है, जड़ की मात्रा, जड़ का डिमांड काफी बड़ा है, और इसके लिए राष्ट्रीय औषधि पादप द्वारा जो मिशन कैंपेन चला जा रहा है, राष्ट्रीय कैंपेन, ये कैंपेन द्वारा अगर आपको ये कैंपेन में शामिल होना है, ये इसका बीज चाहिए, इसका पौधा चाहिए, तो जरूर आप राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के जो सेंटर है, रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर, उसको आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, उसके लिए पश्चिमी क्षेत्र जो है रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर वेस्टर्न रीजन, यहाँ पे आप संपर्क करके इसका बीज, इसका पौधा, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं, उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इसका उपयोग कैसे करें, इसका प्रोसेसिंग कैसे करें, इसका वैल्यू एडिशन करें, कैसा करें, इसके लिए जानकारी दिया जाता है। तो आयुर्वेद के दृष्टि से हम ये देखें कि ये पौधा बहुत ही गुणकारी है, और मेरे साथ जो है हमारे आयुर्वेदाचार्य वैद्य मंदार जी है, थोड़ा और जानकारी उससे उनसे ले लेते हैं कि सर घर में इसका इस्तेमाल कैसे करें। मेरे घर में मैं खुद सुबह चाय कॉफी नहीं पीता हूं, उसके बजाय अश्वगंधा का क्वाथ लेता हूं। 1 चम्मच अश्वगंधा भरण का मतलब एकदम महीन पाउडर नहीं करते, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े, क्योंकि छलनी से निकलने के लिए बहुत महीन पाउडर होती है, वो अटक जाती है। अश्वगंधा भरण 1 चम्मच, उसके साथ में थोड़ा मुलेठी इष्टमद है, कभी पुनर्नवा है, कभी बेहड़ा है, तो इसके साथ वो भी डालकर पुनर्नवा, अश्वगंधा, ये क्वाथ रसायन है, और सुबह एक बार उसे क्वाथ करते हैं, पानी निकाल लेते हैं, फिर से पानी डालते हैं, इसे हम काढ़ा निकाढ़ा कहते हैं, थोड़ी शक्कर डाल देते हैं, चाहे कोई दूध डाल दे इसमें, कोई घी दे उसके साथ में, और ये काढ़ा सुबह एक बार या शाम को एक बार जो भी आदमी ले, सुबह शाम पूरे दिन भर उत्साह बना रहेगा। मेरा खुद का ये अभ्यास है, और मेरा विश्वास भी है कि ये सबको काम आएगा, आप भी इसे इस्तेमाल करें। अश्वगंधा के ऊपर काफी सारे संस्थानों में अनुसंधान शुरू है, और अनुसंधान से इसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, और अनुसंधान के कारण इसका एक्सेप्टेंस जो है डेवलप्ड कंट्रीज में काफी बढ़ रहा है। खेती होना इसका जरूरी है, इसका उपयोग हमारे देश में, भारत वर्ष में सभी लोग करें, ऐसे हमारे वैद्य भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी बोला है, और सभी अगर हम इसका इस्तेमाल करते, अगर हमारा उत्साह कायम रखना है, ये उत्साहवर्धक अश्वगंधा का हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन मैंने जैसे बोला, खेती अगर करना है तो हमें गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करना है। अगर हम कुछ रसायन डाल रहे हैं खाद करके,
या हम रसायन की छिड़काव कर रहे हैं कीट कम करने के लिए, तो ये इसके लिए नहीं चलेगा। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऐसे में जब हम बीज का बुआई करना है तो अगर हम ट्राइकोडर्मा से बीज को ट्रीटमेंट देते हैं तो बीज को ट्रीटमेंट करने के कारण, संस्कारित करने के कारण ट्राइकोडर्मा से हमें जो उसका जर्मिनेशन है वो अच्छा मिलता है, उसका ग्रोथ अच्छा मिलता है, यील्ड भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हमें कुछ इसमें कीट आ जाता है, कीट तो बहुत ही कम आता है लेकिन अगर आता है तो निमार्क जैसे उसको उसके ऊपर स्प्रेइंग करना है। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक रसायन, ऑर्गेनिक कीटनाशक, ऑर्गेनिक फफूंद नाशक, यही हमें इसमें इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर ऐसा हम करते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते, रसायन डालते हैं, कुछ अलग से रसायन डालते हैं, अगर उसमें हेवी मेटल्स पाए जाते हैं तो हमारे जो लेने वाले लोग हैं, हमसे लेने वाले, खरीदने वाले लोग हैं, तो वो नहीं खरीदेंगे। हेवी मेटल के कारण हमारे औषधि वनस्पतियों के जो मार्केट है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है। इसलिए किसान भाइयों से नम्र निवेदन है कि उसका खेती गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के जो निर्देश है वही फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, और उसका हमारा जो फील्ड है उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी हम ले लें, और इसके लिए जो आपको मदद मिलता है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड वो भी ले लें। लेकिन अश्वगंधा ये जो पौधा है बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, इसके लिए अश्वगंधा कैंपेन में आप शामिल हो जाइए। अश्वगंधा हेल्थ प्रोमोटर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एनेक्सिटी में काम करता है, चिंता रोग में बहुत ही गुणकारी है। तो ये जो अश्वगंधा है इसका जरूर इस्तेमाल करें। ये जो है इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो जरूर हमें संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।